यदि आपके पीएफ अकाउंट में आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना है तो ईपीएफओ ने एक नई डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी कर दी है। अब इस डॉक्यूमेंट लिस्ट में टोटल 10 डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है और ये ही 10 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक दो डॉक्यूमेंट यूज करके अपना करेक्शन आप करवा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब इनके अलावा आप कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगा पाएंगे। क्या है डॉक्यूमेंट लिस्ट में डॉक्यूमेंट, ये हम जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहला बताया गया है बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पास है तो इसको लगा करके करेक्शन आप करवा सकते हैं। उसके बाद से मार्कशीट है आपके पास तो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि किसी गवर्नमेंट बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा ये इशू किया गया हो। अब उसके बाद से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, SLC जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं। आप TC लगा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते थे कि सर हमारे पास TC है, क्या हम लगा सकते हैं, क्योंकि पहले गिने चुने डॉक्यूमेंट हुआ करते थे। तो देखिए यहाँ पे EPFO ने क्लियर कर दिया है कि आप लगा सकते हैं, या फिर आपके पास SSC सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन होना चाहिए। अब आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाना है और आपको करवाना है और आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है तो फिर आप नहीं करवा पाओगे। हालांकि होता ही है, लेकिन अगर कहीं ऐसा है तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। अब जो तीसरा नंबर का डॉक्यूमेंट बताया गया है यहाँ पर कि किसी सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको सर्विस रिकॉर्ड, आपके सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो चौथा बताया गया है कि यदि आपके पास प्रूफ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ही नहीं है, जो भी ऊपर मेंशन किया गया है, आपके पास इनमें से कोई भी प्रूफ नहीं है तो भी आप करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो कि सिविल सर्जन के द्वारा आपको बनवाना पड़ेगा। अब सिविल सर्जन ऐसा नहीं है फर्जी बना के दे देंगे, आपको पहले एग्जामिन करेंगे, चेकअप करेंगे अपने हिसाब से, उसके बाद से रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, आपका मेडिकल रिपोर्ट वो आपको लगाना है। और मेडिकल रिपोर्ट से ही काम नहीं चलेगा, आपको एक एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा। एफिडेविट आप किसी कोर्ट से आप बनवा सकते हैं, किसी अच्छे लॉयर से आपको कॉन्टेक्ट करना है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और जल्दी से जल्दी बनवा लेंगे। और आपको कानून के बारे में जानकारी है तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अब उसके अलावा आपको आधार कार्ड है आपके पास तो आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लगा सकते हैं। अब उसके बाद पैन कार्ड है, देखिए पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी आप लगा सकते हैं। अब उसके बाद से आठवें नंबर का जो डॉक्यूमेंट बताया गया है, सेंट्रल स्टेट पेंशन पेमेंट ऑर्डर है कोई आपके पास तो वो आप लगा सकते हैं। देखिए इसमें काफ़ी सभी लोगों के लिए एक जनरल डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है तो इसलिए सभी लोगों के लिए बात की गई है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर सेंट्रल स्टेट पेंशन पेमेंट ऑर्डर नहीं है तो आप कहोगे कि भैया ये क्या डॉक्यूमेंटेड है, तो ये सभी लोगों के लिए ये जनरल एक डॉक्यूमेंट लिस्ट EPFO के द्वारा जारी किया गया है, तो इसलिए ये जिनके पास है उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। अब उसके बाद नौवां और दसवां दो और देख लेते हैं। देखिए नौवें वाले में बताया गया है कि CGHS या फिर ECHS या मेडिक्लेम कार्ड है आपके पास जो कि सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आपका फोटो और डेट ऑफ बर्थ हो उसे आप यूज कर सकते हैं। अब उसके अलावा देखिए यहाँ जो दसवां डॉक्यूमेंट है लगभग सभी के लिए ये पॉसिबल डॉक्यूमेंट है जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये टोटल 10 डॉक्यूमेंट थे जो कि नई डॉक्यूमेंट लिस्ट से मैंने आपको बताया है। और अभी आगे से आपको कोई भी करेक्शन करवाना है तो इनका ही आपको यूज करना है। इनके अलावा कोई डॉक्यूमेंट है ना तो भैया आप लगाओगे तो सही, लेकिन हो सकता है कि आपका जो करेक्शन रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाए, तो आपको इसके हिसाब से ही सब काम करना है। अब इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट बताया गया है, किसी एक डॉक्यूमेंट के बारे में पर्टिकुलर आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से बनवाते हैं, कितना दिन टाइम लगता है, कितना खर्चा पानी लगता है, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।